अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करूँगा बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं कुछ नई चीज़ें लाया हूँ, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ, उसके साथ मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने अपने जो फिंचिस का जो पिंजरा है, इसके नीचे मैंने बुरादा डाल दिया। और बुरादा डालने की मेन वजह यह है कि फिंचिस जब खाना खाने के लिए नीचे आके बैठती हैं, तो ये जो नीचे वाली लकड़ी है, जो प्लाई लगी हुई है, ये काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो जाती है। और अगर फिंचिस के पाँव में ठंडी चीज़ लगे, उन्हें कोई भी चीज़, जैसे कोई लकड़ी है बहुत ज़्यादा ठंडी है, उनके पाँव आगे उस पर टच करें, तो ये इनके मरने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। तो इस वजह से मैंने इसमें ये थोड़ा सा बुरादा डाल दिया, आराम से ये लोग इजीली नीचे आके बैठें, जो मर्ज़ी करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों, इसके साथ ये चीज़ है जो नेस्टिंग बास्केट है, इसमें एक ये मसला है कि इसमें हर जगह पे थोड़े थोड़े से होल हुए हुए हैं, जिनमें अंदर से हवा जो है ना, बहुत आसानी से अंदर बाहर आ जा सकती है। तो अगर एग वगैरह या बेबीज वगैरह हुए, तो अगर ठंडी हवा चली तो उनके लिए ज़्यादा ख़तरा बन जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इनके लिए एक बॉक्स ले लूँ, जो कि फिंचिस बॉक्स ही है, और ये 110 रुपये का आता है। इससे छोटा वाला भी मिलता है, पर मैंने बड़े साइज़ का लिया, ताकि ईजीली आराम से खुली जो स्पेस हो, जितने मर्जी बेबीज़ वगैरह, तो अंदर इजीली एडजस्ट हो जाए। तो अब मैं क्या करूँगा, इसका इनका जो ये वाला नेस्टिंग बास्केट है, ये निकाल लूँगा, और नेस्टिंग मटेरियल ये पड़ा हुआ है, ये मैं इनके अंदर डाल दूँगा। बाकी सब खाना पानी वगैरह वैसे ही, इसका मैं दिखा देता हूँ साफ़ वगैरह का सिलसिला कैसा है। ये लगाया हुआ है, दरवाज़ा टाइप सा है, ये इस तरह से करके निकल आता है बाहर, और इस तरह से करके वापस अंदर। इसके नीचे से बुरादा भी बाहर नहीं आता। ये तो रात का थोड़ा सा जो डाला था, ये वही थोड़ा सा इधर पड़ा हुआ है। बाकी इनका इतना मसला नहीं आता फ़िलहाल। सबसे बड़ा मसला ज़्यादातर करते हैं बटेर वगैरह, उनके नीचे भी मैंने डाला हुआ है। ये लोग उठा उठा के, तो इधर उधर इनकी आदत होती है, पाँव के साथ घसीटते रहते हैं हर चीज़ को, तो पूरा इनका पानी वगैरह हर चीज़ गंदी हुई होती है। फिर अब मैं मुर्गी का भी ये सोच रहा हूँ कि उनके केज में भी इसी तरह सा कुछ कर दूँ। तो दोस्तों, बाकी ऑस्ट्रेलियन है, इसको मैंने देखा है अभी मटकी में जाती हुई, फ़ीमेल को जाती है, थोड़ा बहुत थोड़ा मैंने देखा है इसको मटकी में जाते हुए, लेकिन मेटिंग वगैरह का मुझे कुछ नज़र नहीं आया। सिर्फ़ 1 महीना और है, अगर मैंने देखा कि ये ब्रीड पे आ गए हैं तो ठीक है, वरना फिर मैं इसका जो मेल है ये चेंज कर दूँगा इसके साथ, जो क्योंकि ये दोनों रेड आई हैं, रेड आई ब्रीड थोड़ी मुश्किल होती है। इनके साथ मैं एक जो ओरिजिनल ब्रीड है इनकी, जो ग्रीन कलर की वाइल्ड में आते हैं, वो ले आऊँगा इनके साथ। इसके साथ वो वाला मेल छोड़ूंगा इंशाल्लाह, फिर ब्रीड हो सकता है ये लोग जल्दी कर दें। बाकी ये देखा, ये मेल अब मतलब ऑस्ट्रेलियन दोनों यहाँ ऐसे हैं, डरते बिल्कुल नहीं है। मेरे सामने आकर, मैं इधर खड़ा होंगे, मेरे सामने आए खाना खाना शुरू कर देंगे, आराम से दूसरों को ख़ारशें करेंगे, कोई मतलब इनके अंदर इतना ज़्यादा डर खौफ नहीं है। बाकी ये मुर्गा मुर्गी है, माशाल्लाह से मुर्गा तो अजाने भी देने लग गया है। और इनके जो नहलाने का टाइम है, वो मैं जुमे के दिन रख लेता हूँ। जुमे के दिन तकरीबन कोई 10 से 11 बजे के बीच वाला टाइम, जिसमें थोड़ी सी गर्मी होती है, उसमें आके मैं इन्हें शावर मार देता हूँ, तो ये इजीली आराम से नहा धो के, तो ये लोग उनके धूप में चले जाते हैं, धूप भी आ जाती है थोड़ी सी, और उनके अंदर जाके तो ये आराम से अपने आप को सुखा लेते हैं। बाकी सर्दी से बचने के लिए मैंने शीट्स लगा दी हैं, ये एक तरफ से पूरा कवर है, बाकी दो तरफ से ये खुली रहती है, एक आगे से और ये साइड से। ये मैं ऊपर कर देता हूँ तकरीबन दोपहर के टाइम तक। और ये लव बर्ड की फ़ीमेल आके बैठ गई है, इनका भी मुझे कोई इरादा नहीं लग रहा ब्रीड का, बस इसी तरह से इन्हें छीके मारते रहना होता है। और बॉक्स में तो बहुत टाइम देखा मैंने, इसे बॉक्स के अंदर बैठी रहती है, मेल बाहर आके बैठा रहता है। पर ये इसके मेल भी, एक तो जो इसका मेल है वो भी काफ़ी ज़्यादा डरपोक सा है, तो डरपोक मेल है, इस वजह से ज़्यादा मेटिंग भी नहीं करता भी नहीं है। ये देखिए, ये तो माशाल्लाह से मैं वीडियो बना रहा हूँ, पास आना शुरू हो जाती है। तो जो मेरा पहला लुटीनो वाला मेल था, वो तो कह लें कि बहुत ज़्यादा टेम था मुझसे, हम लोग सामने आते थे वो इधर आके बैठ जाता था, तो घर वालों से भी कोई इसका इतना ज़्यादा डर खौफ नहीं था, क्योंकि वो पट्ठा मैंने लिया था। पट्ठे में ये होता है, यही फ़ायदा होता है कि वो आपसे डरना छोड़ देते हैं। आप उनके केज में खाना पानी वगैरह डालते हैं तो वो डरना छोड़ देते हैं। आप जितने बड़े बड़े लेके आएंगे, यानी कि अडल्ट साइज़ के जो होंगे, वो ये होगा, एक तो वो वैसी जगह पर पिंजरे में उन्हें रखा होता है, वहाँ पर हज़ारों लोगों ने आना होता दुकान पर, हाथ उत मारते हैं, तो इस वजह से उनके अंदर डर खौफ बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो अभी देखें, वो हल्का सा बाहर आके देख रहा है, ये माशाल्लाह फीमेल आ गई पानी पीने।
बाकी इनका भी बॉक्स के अंदर मैं थोड़ा सा बुरादा डाल दूंगा। इनके अंदर वैसे मैंने नेस्टिंग मटेरियल डाला हुआ है, ये उसी को काट काट कर चूरा बना देते हैं पूरा उसका, तो इसमें थोड़ा सा बुरादा डाल दूंगा ताकि गर्मी का थोड़ा सिलसिला ज़्यादा हो जाए। बाकी बटेर की तरफ आ जाते हैं, ये देखिए मैंने इनको वो बुरादा डाल के दे दिया था, तो ये पानी के अंदर देखिए इन्होंने पूरा बुरा बुरा कर दिया। ये आसपास गंद भी मार दिया, उसका कोई इतना टेंशन नहीं है, खाना खाना भी सही है। अभी अभी फ़िलहाल मैं इनको सॉफ्ट फूड देने लगा हूँ, आज ब्रेड और सलाद के पत्ते हैं, बंद गोभी है, गाजर है और पुदीना है, ये मैं इनको दे दूँगा, ये लोग आराम से खाएं। और दोस्तों जैसे 11-12 बजे के बीच में धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है, तो उसके लिए मैंने ये पर्दा लगा दिया। ये पर्दा अभी फ़िलहाल तो सुबह के टाइम में इसलिए खोल दें ताकि ठंडी हवाएं जो हैं वो आके लेने लगे ना, क्योंकि बर्ड्स के लिए सर्दियां इतनी ख़तरनाक नहीं जितनी ठंडी हवाएं उनके लिए ख़तरनाक होती हैं। तो इस वजह से हमने उनका थोड़ा सा ना एहतियात करना है कि ठंडी हवाओं जो हैं वो इन्हें ना पड़े बिल्कुल भी। मैं इनको सॉफ्ट फूड डाल दूँगा और इसके साथ साथ ये इनका जो नेस्टिंग बास्केट है ये मैं निकाल लेता हूँ। तो ये मैंने नेस्टिंग बास्केट निकाल ली है, तो ये सारे माशाल्लाह से बेबीज बाहर आ गए हैं, अब वो बॉक्स के अंदर जाने का सोच रहे हैं। एक दो दिन लगेंगे इनको, थोड़ा सा डर ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ये लोग बॉक्स के अंदर भी जाना शुरू कर देंगे। नेस्टिंग मटेरियल मैं दे देता हूँ, ये फ़िलहाल गर्मियों में ज़्यादा बेहतर रहेगा, सर्दियों में मैं इनको ये बॉक्स ही दिया करूँगा। अभी इसको यहाँ रख देंगे और ये मैं इनको ये मैं डाल देता हूँ। क्योंकि फिंचिज ऐसी चीज़ है, इसको जितना मर्जी नेस्टिंग मटेरियल देते ये रचती नहीं है कभी भी, इसलिए और मांगेगी, ये अपने पिंजरे को कह लें भर देगी पूरा इस नेस्टिंग मटेरियल के साथ ही, कुछ जितना देते जाओ ये उतना ही इसको यूज़ करती रहेगी। तो मशर से अभी तो सारे आप इनका कलर भी देख सकते हैं कैसे साफ़ सुथरा कलर हुआ है, और इनकी ये जो चोंच है ये भी हल्की हल्की सी इनका जो रंग है वो आना शुरू हो गया, देखें ऑरेंज होना शुरू हो रही है इसकी रंग चोंच है, तकरीबन एक महीना लगता है इनको फिर ये चोंच अपनी ऑरेंज कर लेते हैं। अब मैं फ़िलहाल जो मेरा नया माइंड चल रहा है वो ये है कि ये ऊपर वाली जगह जो ये बंद कर दूँ इधर लकड़ी वगैरह लगा के, तो फिंचिस यहाँ पे एक दरवाज़ा आ जाएगा छोटा सा, जो फिंचिस की बेबीज वगैरह जितने भी होंगे उन्हें मैं यहाँ पर छोड़ दिया करूँगा, वो अपना मतलब के पट्ठों से अडल्ट के बीच में जो भी उनकी एज होगी वो इसके अंदर कंप्लीट होगी, क्योंकि वहाँ पे नई ब्रीड दोबारा उन्होंने जो पेरेंट्स हैं उन्होंने दोबारा ब्रीड करनी होती है, तो वो बेबीज मसला कर देते हैं, वो बार बार आके उस नेस्ट के अंदर आके तो बॉक्स में या फिर नेस्टिंग बास्केट में वो प्रॉब्लम कर देते हैं, तो इस चीज़ का मैं ख्याल रखूँगा। और यहाँ से मैं पूरा बंद करके यहाँ पर छोटा सा दरवाज़ा आ जाएगा, बाकी जितने भी होल्स वगैरह हुए हुए हैं जिनसे फिंचिस के बाहर आने का ख़तरा है वो मैं बंद करके बस फिर उसके बाद ये जितने पट्टे हैं मैं यहाँ छोड़ दूँगा, क्योंकि बटेरों ने तो ऊपर आना नहीं होता, ये कौन सा फ्लाई वगैरह करते हैं, वो बेहतर है कि मैं इनको ऊपर से बंद करके साथ छोड़ने का मसला नहीं है, बटेर ये मारना शुरू कर देते हैं, तो इस वजह से इन्हें अलग कर दूँगा। बाकी ये केज भी पूरा सही है, पट्टे वगैरह जो भी होंगे जिस मर्ज़ी बट के हों वो मैं इसमें छोड़ दिया करूँगा। बाकी दोस्तों ये थी आज की वीडियो, अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, ये देखिए माशाल्लाह से फीमेल चली भी गई है अंदर, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन है साथ उसे ज़रूर दबा दिया करें ताकि मेरी जो भी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपकी वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।